या सर्व खेळाडूंना आहे म्हणून या अतिशय सुंदर आयोजनाला हा सर्वांचा हातभार आपल्याला पाहायला मिळतोय. या सर्व क्रिकेट रसिकांचं या आयोजकांच्या माध्यमातून आम्ही हार्दिक स्वागत करतोय. दोन षटकांचा सामना असेल आणि आवाज असेल पुन्हा एकदा बारदस्त आवाजाचे आपले सर्वांचे लाडके दोन समालोचक आज मनोहर पाटील सर आणि अमित पाटील सर. पहिला आवाज मनोहर पाटील. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच सुशांत सर. मेगा फिनाले तो ओव्हर का मुकाबला है. नो पावर प्ले. पावर प्ले नहीं है दोस्तों, केवल दो ओवर का मुकाबला है. संदेश शेल के भी हमारे साथ है. आमतौर पर नाइट प्रतियोगिता में इस तरीके के हालात हम देखते हैं, ये भीड़ हम देखते हैं, लेकिन ये क्रिकेट के प्रति लगाव है, ये प्यार है कामोठा वालों का और नौपड़ वालों का. यहां पर दर्शकों की तादाद नजर आ रही है. तो बिल्कुल एक गांव की दो टीमें, दोस्ती का यह मुकाबला होगा, लेकिन चैंपियन कौन कहलाएगा. जिस तरीके से कहते हैं ना कि जिंदगी में पहला प्यार दोस्तों कोई नहीं भूलता, ना मैं ना आप ना और कोई, उसी तरीके की ये फिनाले का मुकाबला है. कोई भूलेगा नहीं. एक तरफ है जय हनुमान कामोठे, दूसरी तरफ है श्री गणेश कामोठे. मुकाबला यहां से शुरू होगा. कौन बनेगा चैंपियन? बार खेलेंगे स्ट्राइक. उल्टी गिनती शुरू. 3 2 1 लेट्स प्ले. पहली गेंद ऊंचाई ज्यादा है, रोशन ने कॉल किया है. बारकिया का पहली गेंद के ऊपर, पहली गेंद के ऊपर विकेट. जश्न का माहौल. मात्र आज कमाल के मूड में लग रहे हैं. शॉर्ट पॉइंट गली के क्षेत्र में फील्ड कर रहे थे, लेकिन वहां से दौड़ लगाई फाइन लेग के क्षेत्र में. वो जानते हैं बारके का विकेट कितना कीमती था उनके लिए, और पहला खिलाड़ी मैदान के बाहर लौटेगा. ये दो ओवर का मुकाबला है, और दो ओवर के मुकाबले के लिए यह मंच अब सज चुका है. गेंद बल्लेबाज आएगा मैदान के अंदर. इन एट नंबर 3 सोनू पाटिल. सात निभा रहे मैदान के अंदर. नॉन स्ट्राइकर इन पर खड़े हैं सुबोध गोवारी. तो गेंदबाजी में है दैवत मात्रे, श्री गणेश कामोठे क्रिकेट टीम के माध्यम से. दूसरी तरफ जय हनुमान कामोठे, चैंपियन बनने की यह तलाश है. जोरदार अपील करी गई और लगातार बैक टू बैक दूसरी सफलता 0 रनों के ऊपर मिलती हुई. पर राज कौन कर पाएगा? चैंपियन कौन कहलाएगा दोस्तों? अगर आप क्रिकेट के दीवाने हो तो आपकी देखने वाली आंखें, सुनने वाले कान और महसूस करने वाला दिल थाम कर बैठिएगा. यह क्रिकेट का नाटक, यह क्रिकेट का ड्रामा अब शुरू हो चुका है मैदान के अंदर. कामोठे बनाम कामोठे, क्या लड़ाई है. गेंदबाजी के लिए दैवत मात्रे तैयार. पहली तीन गेंदे, लगातार तीन गेंदे डॉट है. जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा. ये दो ओवर का मुकाबला है. यहां पर आपके पास समय नहीं है. कौन सी टीम आगे बढ़ेगी, किन के हिस्से में आएगी खुशी और किन के हिस्से में आएंगे गम दोस्तों, अभी तक खाता खोल नहीं पाए जय हनुमान कामोठे टीम. चौथी गेंद लेकर चलेंगे दैवत मात्रे. गति में मिश्रण है. निक्कू के लिए गेंद थी, गेंद है हवा में. थैंक यू ऑल इज वेल. किसी को आना जाना नहीं है दोस्तों, उधर सब ठीक है. खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, नीरज वहां पर मौजूद है, सब ठीक है दोस्तों, चिंता की कोई बात नहीं है. ऑल इज वेल. मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि किसी को भी मैदान के अंदर जाने की अनुमति नहीं है.
क्रिकेट में हाथ से हमने देखे हैं दोस्तों, कोशिश लाजवाब थी। दर्शकों से गुजारिश है आपको मैदान छोड़ने, नीरज वहां पर मौजूद थे। जरूर चोटिल हुए नीरज मैदान छोड़ रहे, लेकिन नीरज के लिए जोरदार तालियां दोस्तों। अपने टीम के लिए रन बचाए इस खिलाड़ी ने, जान झोंक देते हैं दोस्तों खिलाड़ी, इसी का नाम क्रिकेट है। रन बचाए अपने टीम के लिए, टोटल 5 रन बचाए, केवल सिंगल मिलेगा निकू को। लाजवाब फील्डिंग का नजारा, बिल्कुल छलांग लगाकर गेंद को रोकने की तलाश थी। वहां पर एक टेबल था बाउंड्री के पार, उनके सर के ऊपर टकरे, उन्हीं के ऊपर वो गिरे थे, लेकिन सब ठीक है दोस्तों, ऑल इज वेल। मैदान के अंदर जाएंगे, दैवत दैवत मात्र इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार है। अच्छा स्ट्रोक इस बार सुबोध गोवारी, सब्र रखा था, सब्र का बांध आखिरकार टूटा, गेंद जाएगी सीमा पार, पहला छक्का। रनों के ऊपर पारी पहुंच चुकी है, पहली 5 गेंदें गुजर गई है, दैवत मात्र है, लेकिन सुबोध गोवारी इंतजार आखिरकार खत्म हुआ जय हनुमान कामोटे टीम का, और गेंद गई सीमा पार छक्के के लिए। गेंदों की मांग की जा रही है, अंतिम गेंद का खेल बाकी है, यह फाइनल का मुकाबला है दोस्तों। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा है, मैं गुजारिश करूंगा श्री गणेश कामोटे टीम एक साथ आपको आना नहीं है, टीम मीटिंग के लिए समय नहीं है, सभी दर्शकों को सवालों के जवाब चाहिए। कौन कहलाएगा चैंपियन इस मुकाबले का? स्ट्राइकर इनके ऊपर सुबोध गोवारी, 7 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर। दैवत मात्र एक बार फिर से तैयार है इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर सुबोध गोवारी के लिए। लोअर फुल टॉस ये गेंद है, पीछे खिलाड़ी तैनात, रन मिलेगा यहां से, दूसरे की तलाश है और 2 रन का यहां से इजाफा होता हुआ। पहले ओवर की समाप्ति होती हुई पहले ओवर में रन बने हैं, टोटल 9 रन बने हैं। चलो श्री गणेश टीम आपको एक साथ आना नहीं है, टीम मीटिंग की अनुमति नहीं है दोस्तों, तुरंत आपको मुकाबला शुरू करना है। जिस तरीके से कहते हैं ना कि तेरी किस्मत का लिखा तुझसे कोई ले नहीं सकता, अगर उसकी रहमत हो तो तुझे वो भी मिल जाएगा जो तेरा कभी हो नहीं सकता। चैंपियन कौन कहलाएगा? अगर मेहनत में दम हो तो किस्मत कभी धोखा नहीं देती दोस्तों। मैदान के अंदर जबरदस्त मुकाबला है, अंतिम ओवर का खेल अभी भी बाकी है। सुबोध गोवारी एक चक्का जरूर लगाया है, निखिल गोवारी उनका साथ निभा रहे, पिछले मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन था, 6 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। नया गेंदबाज आएगा गेंदबाजी में, नीलेश, नीलेश मात्रे। तो इसी बीच जिनका आगमन होता हुआ टाइगर भाऊ हमारे बीच में मौजूद है, उनका भी तहदिल से स्वागत है। मैदान के अंदर जाएंगे नीलेश मात्रे, आएंगे गेंदबाजी में राउंड विकेट से, निक्कू के लिए गेंद आएगी, पहली गेंद आएगी डॉट। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है, इसी का नाम दोस्तों जिंदगी है। ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है, ये जिंदगी का खेल है, इसे खेलना जरूरी है। एक रन तो जरूर मिलेगा, दूसरे की कोशिश है सुबोध गोवारी की, मना किया निकू ने, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है। जिस तरीके से कहते हैं ना कि मोज लो और रोज लो, ना मिले तो खोज लो, राह यहां पर खोजनी होगी, क्योंकि लाइफ में प्यार का भूत चढ़ेगा तो दिल टूटेगा, अगर सक्सेस का भूत चढ़ेगा तो यकीनन रिकॉर्ड टूटेगा। क्या रिकॉर्ड टूटेगा मैदान में, यह भी देखने वाली बात है दोस्तों। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, नीलेश सुबोध के लिए गेंद थी, बैकफुट पर गए, पंच करना चाहिए थे, हम खिलाड़ी वहां पर जरूर तैनात है। 2 रन का इजाफा होता बा, 2 रनों की मदद से पारी आगे बढ़ती है। टीम की रन संख्या जाकर पहुंची है 12 रनों के ऊपर, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 3 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। जिस तरीके से कहते हैं ना कि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, और आए उसूलों पर आज तो टकराना भी जरूरी है। टकराव किस प्रकार का रहेगा मैदान में? मिस टाइमिंग स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी तैनात, नीलेश खुद करेंगे कॉल,
एक ही रन, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है। जबरदस्त मुकाबला, गेंदबाजी पूरी तरीके से हावी है श्री गणेश कामोट टीम की। पहली चार गेंदें गुजर चुकी है, दो गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। टीम की रन संख्या है टोटल 13 रन। स्ट्राइक रेट के ऊपर बल्लेबाज निक्कू गोवारी, पिछले मैच का हीरो, मैदान के अंदर हीरो बनने की तलाश करेगा। राउंड विकेट से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। बड़े स्ट्रोक की तलाश थी लेकिन यहां पर चूक हुई। अब किनके हिस्से में आएगी खुशी और किनके हिस्से में आएंगे गम दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से कहते हैं ना, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, टेंशन यहां जिंदगी में किसको कम है। हार या जीत तो सिर्फ एक भ्रम है और इसी का नाम कभी खुशी कभी गम है। और अंतिम क्षणों में लगाया छक्का, दो ओवर की भी समाप्ति। दो ओवर के समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या बनी है टोटल 19 रन और जीतने के लिए 20 का टारगेट है। 19 रन बने, 20 रनों का टारगेट है। आने वाली 12 गेंदों के ऊपर चैंपियन कौन कहलाएगा, इस मुकाबले की प्रेम कहानी लेकर आपके सामने पेश होंगे हमारे साथी का करी गई। मुझे यहां पर कमेंट्री करने का मौका दिया हमारे सुशांत सर जिनके माध्यम से मैं यहां पर आया था। यदि कोई गलती हुई होगी तो दोस्तों माफ करना, क्योंकि अभी तो हम छोटे हैं, अभी तो हम कमेंट्री सीख रहे हैं, ऐसे मौके की हमें तलाश है। फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया ग्रामस्थ मंडल नौपड़ आयोजित श्री दत्त ट्रॉफी, आप इंजॉय करें दोस्तों, सभी का शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलेंगे दूसरे सत्र में अमित मात्रे सर के पास, थैंक यू। पाटिल, बहुत ही शानदार कमेंट्री आप सभी ने सुनी। और मेगा फाइनल का यह अंतिम मुकाबला ग्रामस्थ मंडल नौपाड़ा आयोजित श्री दत्त ट्रॉफी 2022 का आखिरी मुकाबला, चैंपियन बनने का मुकाबला है, शहंशाह बनने का मुकाबला है, विजेता बनने का मुकाबला है, ये ट्रॉफी के साथ, धनराशि के साथ खिताब जीतने का मुकाबला है। जय हनुमान कामड़ टीम ने तो पहली इनिंग खेल चुके हैं, निर्धारित दो ओवर में उन्होंने 19 रन इकट्ठा किया है और 20 रनों का टारगेट रखा है या श्री गणेश कामोटे के सामने। दोनों एक ही गांव के इस बार टीम है, सभी टीमें आ गई अंदर, लेकिन दोनों टीम ने कह दिया यह फर्स्ट और सेकंड नंबर की जो ट्रॉफी है वो हमारे इलाके में रहेगी, इसे कह दे ताकत। दोनों एक दूसरे के साथ जानते हैं, रिलेशन अच्छा है, लेकिन इस क्रिकेट के मैदान के ऊपर ये रिलेशन नहीं है, ये दर्शकों को दिखाना पड़ेगा कि चैंपियन कौन है। सलामी बल्लेबाज पहुंचे रोशन मात्रे और साथी उनके साथीदार हैं परेश मात्रे। गेंदबाज हैं निखिल गोवारी, पहली गेंद 20 रन चाहिए, पहली गेंद के ऊपर प्रहार और अरे वाह, और बेहतरीन बेहतरीन है, पढ़िया तारीफ करना पड़ेगी। और ये देखिए ये क्या हुआ, स्टंपिंग करने गए और 3 रन इकट्ठा किया है, 2 रन इकट्ठा माफ कीजिए, नहीं बढ़िया है, पढ़ दिखाया, नो टेंशन रोशन, उसने छलांग क्या लगाई यार, कल लगता है बजरंग बली का दर्शन ज्यादा लिया है, वाह। हाँ, जैसे हम आम का पेड़ निकालने के लिए छलांग मारते उसी तरह से उन्होंने वो बाहर जा रहे थे, गेंद को अंदर फेंका। बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपका, टीम का स्कोर 2 के घर में। दूसरी बॉल निखिल गोवारी की रोशन के लिए, लेकिन इस बार वाइट के बदले इस बार देखा जाए 11 रन आ चुके हैं।
और ये देखिए परेश और बारकिया के बीच ये बातचीत चल रही है, दोनों हंस रहे हैं, तो हम क्या समझे रे? अरे क्या यार, तुम भी चलो अंपायर क्या डिसीजन आपको तुरंत बताइए, जो कुछ है समझ के लीजिए यार, अभी फाइनल का मुकाबला है, अंपायर डिसीजन फाइनल आपको पकड़ना ही पड़ेगा, अभी क्या करेगा? चार रन चलो बाई का इशारा होता है, शाम हो गया और क्या होता है, थोड़ा सा इस बार गलती ऐसी होती है, कोई जानबूझकर नहीं करते, लेकिन बाई के चार के बदले स्कोर 6 में 14 रन चाहिए जीतने के लिए। निखिल गोवारी की अगली बॉल, और ये देखिए इस बार घुटने टेककर खेलने का प्रयास, रन आउट का मौका यहां बनेगा और आउट, कोई जरूरत नहीं थी इस बार देखा जाए यहां परेश मात्रे को, लेकिन रन लेने के चक्कर में इस बार का बढ़िया थ्रो आया और आउट, स्कोर 6-1 विकेट के नुकसान पे श्री गणेश कामत। गणेश कामोड़ी टीम को चाहिए 6 गेंदों में 10 रन, रिक्वायर्ड रन रेट तो हर ओवर में 10 का है, एक दूसरे के साथ ये बातचीत कर रहे हैं क्या, लेकिन 6 गेंदे और जीतने के लिए 10 रन, दोनों ट्रॉफी कामोड़ी में, ट्रॉफी किधर नहीं जाएगी, 50,000 की धनराशि है और सेकंड प्राइज है 25 की धनराशि है, मतलब 75,000 भी कामोड़ी में, बाकी आए खेल दिखाते दिखाते चले गए, लेकिन उनका भी हार्दिक हम आभार व्यक्त करते हैं। दस चाहिए, 10 गेंदे 10, बार क्या कामले के पास गेंद 6 गेंदे और छक्के की संभावना, थोड़ी गेंद पीछे और गेंद को इस बार देखा जाए रफाटा दिया 6 रन के लिए, दैवत मात्रे शानदार चक्का। पहली गेंद के ऊपर 6 आए, दैवत मात्रे 6 के साथ खुद का खाता ओपन किया, टीम का स्कोर 16 के घर में और इस बार हवा में, लेकिन क्या कैच की संभावना, पकड़ लिया कैच, दैवत मात्रे वापस गए, इस बार शाहिद साइन ने कैच को लपक लिया, विकेट नंबर 2 ड्रेसिंग रूम में।
जीतने के लिए चार रनों की जरूरत है, लेकिन रोशन मात्र व्यक्तिगत या देखा जाए मेरे हिसाब से पांच रन पे खेल रहे। चार गेंदें जीतने के लिए चार रन और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंचे हैं नीलेश जी मात्रे। बार का काम लेकिन तीसरी गेंद यानी कि चार गेंदें जीतने के लिए चार रन चाहिए। श्री गणेश कामोटे बनाम जय हनुमान कामोटे, जय हनुमान कामोटे बनाम श्री गणेश कामोटे के बीच ये मुकाबला। दोनों टीम अपने गांव की आमने सामने, लेकिन कौन बनेगा विजेता? और इस बार यह मुझे लग रहा है कि क्या अंपायर अभी बताएंगे, अंपायर भी टेंशन में आए होंगे। ये क्या है अंपायर को, हमें कुछ पता है लेकिन अंपायर को क्या पता है। एक मिनट तुम्हें जाऊं देता चर्चे माई पेक्षा डेड बॉल। चला नवीन नियम आपल्याकडे आहे, ऍडजस्ट करून घ्या। चला कामोटे कामोटे आपण सहकार्य करून घ्या, असू द्या। हा नक्की नक्की इथं आउट नाहीये, नक्की आमचे मॅच रेफरीने आदेश दिलेला आहे। स्कोर 16 के घर में, चार गेंदे और जीतने के लिए चार रन। तीसरी गेंद बार के कामले की नीलेश मात्रे के लिए, और इस बार डिफेंड किया शॉट को, पॉइंट के क्षेत्र में धकेला। एक सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ या श्री गणेश कामोटे टीम का स्कोर पहुंच जाए 17 के घर में। तीन गेंदे और जीतने के लिए तीन रन। रोशन मात्रे जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, रोशन मात्रे मेरे हिसाब से पांच पे खेल रहे। तीन गेंदे और जीतने के लिए तीन रन। और ये देखिए बारके ने तेज गति के साथ इस गेंद को फेंका है, यह परिवर्तन बारके कामले के पास। बारके हंस रहे, इसका मतलब दाल में कुछ ना कुछ काला है। और यही हंसी मजाक के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो ट्रॉफी है गांव में रहने वाली है, लेकिन विजेता कौन बनेगा? दो गेंदे जीतने के लिए तीन रन। और इस बार यहां देखा जाए तो सिंगल मिलेगी जरूर, और इस बार अभी एक गेंद और जीतने के लिए दो रन। क्या मुकाबला आया है, बार क्या काम लेगी, गेंदबाजी की तारीफ करना पड़ेगी। छक्का खाने के बाद एक गेंदबाजी में परिवर्तन, यह है बार क्या की खूबी। शतरंज की चाल है उसके पास, एक गेंद जीतने के लिए दो रन कंपल्सरी चेसिंग है। हाँ देखिए खेल कहां पहुंच गया है, अभी जिन्हें दिल की बीमारी है उन्हें मैं तुरंत सलाह दे रहा हूं कि अभी आंखों देख हाल मत सुनाइए, क्योंकि देखिए नाइट की पब्लिक होती है उसी तरह से आ चुकी पब्लिक। कमजोर दिल वालों के लिए मैच से जोरदार ताली स्वागत की, एक गेंद जीतने के दौरान। अभी इस बार देखा जाए आउट है, अभी आउट है। एक बार तो छूटा तो दूसरी बार क्या हुआ। और इसी के साथ लगभग देखा जाए यहां मैच बार क्या की, देखिए खूबी देखिए, बार क्या का सॉफ्टवेयर इतना जबरदस्त काम किया कि इस अपोजिट टीम को इस बार देखा जाए उन्होंने मामा ही बना दिया है। चालाक